हमने हाल ही में सोयाबीन की कीमतों में अच्छी तेजी आती देखी थी। सोयाबीन किसानों को कीमतें कुछ सुधर कर मिलना शुरू हुई थी, चाहे वायदा बाजार हो या फिर हाजिर बाजार, दोनों में अच्छी तेजी बनी थी। लेकिन जब भी सोयाबीन किसानों के साथ कुछ अच्छा होता है, कोई ना कोई अड़चन बीच में आ जाती है। इस समय ये अड़चन कोरोना का नया वेरियंट ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन की वजह से कमोडिटी बाजार पर असर पड़ा है और कीमतों में गिरावट आई है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन ने भारत में भी दस्तक दे दी है। जैसे ही ओमिक्रॉन के भारत में आने की खबर आई, पूरा कमोडिटी बाजार लाल हो गया। इसका असर सोयाबीन की भी कीमतों पर दिखाई दिया है। सोयाबीन की कीमतों में कुछ गिरावट बनती दिखाई दी है। दरअसल कई देशों तक कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के पहुँचने की वजह से एक्सपोर्ट में आ रही दिक्कत ने बाजार पर असर डाला है। पोल्ट्री भी लगातार सरकार से सोया डीओसी के आयात अवधि बढ़ाने की लगातार मांग कर रही है। उधर चीन की तरफ से सोयाबीन की डिमांड कम हुई है और वायदा में सोयाबीन पर 5% एडिशनल मार्जिन से भी कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स अभी यही बता रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में तेजी का ही रुझान है। इसलिए कृषि और बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को अभी सोयाबीन में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हालात को देखकर ही इसकी बिक्री करनी चाहिए। दाम अभी इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर जा सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन प्रमुख तिलहन फसल है और भारत में तिलहन उत्पादन जरूरत से काफी कम होता है। आपको बता दें कि देश में लगभग 12.81 मिलियन हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती होती है। देश में 1 करोड़ से ज्यादा किसान इसकी खेती करते हैं। देश में इसका सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। हालांकि प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन लेने में महाराष्ट्र सबसे आगे आता है। वहीं कृषि विशेषज्ञों के अनुसार प्रोटीन एवं तेल की भरपूर मात्रा की वजह से सोयाबीन दुनिया भर खाद्य तेल और पौष्टिक आहारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।